नाउ वी विल सी हॉरिजन माइनिंग, क्या देखेंगे हॉरिजन माइनिंग। लोग इसको समझता है कि मेथड ऑफ वर्किंग का कोई है मेथड है, ये मेथड ऑफ वर्किंग नहीं है। मेथड ऑफ वर्किंग का कोई माइनिंग मेथड ये नहीं है। जो आप लोग मेटल माइन को पढ़े होंगे तो मेटल माइनिंग में इसी तरीके से जो आपका लोड है या वेन है उसमें एंटर करते हैं, ठीक है। ये एंट्री का तरीका है, कोल सिम में एंट्री का तरीका है। इस हॉरिजन माइनिंग को हम चार पॉइंट पर देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन देखेंगे, इसका डेवलपमेंट देखेंगे और जनरल कंसिडरेशन बिफोर अडॉप्टिंग हॉरिजन माइनिंग। तो ये लास्ट के तीन और चार जो है एक अलग वीडियो में देखेंगे और अभी जो है इस वीडियो में हम ये दो पॉइंट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉरिजन माइनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ हॉरिजन माइनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता क्या, इंट्रोडक्शन वो है ना, बताते कोई चीज के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका कोल सीम है, क्या है देखिए हम जगह लिख दिए कोल सीम, ये कोल सीम है, कैसा दिख रहा आपको, अच्छा ठीक है इसको बाद में देखते हैं। ये हॉरिजन माइनिंग का एक स्कीमेटिक फिगर है, ठीक है। हॉरिजन माइनिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग, ये माइनिंग मेथड नहीं है। तो क्या है भैया, ये कोल सीम आपको दिख रहा है, इस कोल सीम में पहुंचने का क्या है ये तरीका है। हॉरिजन माइनिंग इज ए अप्रोच आर एक्सेस टू कोल सीम, ओके, मतलब कोल सीम में घुसने का पहुंचने का एक तरीका है, ये माइनिंग मेथड नहीं। माइनिंग मेथड मे बी बोर्ड एंड पिलर आर लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड। माइनिंग मेथड तो जब हम कोलसिम में, इस कोलसिम में पहुंच गए तो कोलसिम के अंदर जो भी माइनिंग मेथड हम करेंगे वो या तो बोर्ड एंड पिलर होगा या लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड होगा, लेकिन जनरली हम लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड को इस केस में अडॉप्ट करते हैं। जनरली बोल रहे हैं, मतलब 100 में से 100 बार नहीं होगा, 100 में से 98 टाइम्स जो है लॉन्गवॉल होगा और 2 टाइम्स हो सकता है बोर्ड एंड पिलर भी हो जाए, इसलिए जनरली बोल रहे हैं। जनरली लॉन्गवॉल माइनिंग को हम अडॉप्ट करते हैं जब इस सिस्टम से हम कोल सीम में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो क्यों लॉन्गवॉल ही क्यों, बोर्ड एंड पिलर का ही नहीं, इसलिए कि आप यहां देख रहे होंगे सॉफ्ट ड्राइवेस किया है और यह हॉरिजेंटल रोडवे ड्राइव किया है, यही हॉरिजेंटल रोडवेज को हॉरिजन बोलते हैं। ये जो लेवल रोड है, ये लेवल रोड है, इसे क्या बोलते हैं हम हॉरिजन। तो हमने क्या ड्राइव किया यहाँ पे हॉरिजन, और ये तो कोल सीम है, इधर ये क्या है पत्थर है, रॉक्स है, स्टोन है, और उससे रोडवेज ड्राइव करना बहुत खर्चीला होता है, कॉस्टली होता है। सॉफ्ट सिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली ऑपरेशन इन माइनिंग, बहुत ज्यादा कॉस्टली अब है ये है सॉफ्ट सिंकिंग। साथ में आप पत्थर में से ड्रिफ्ट चला रहे हैं, पत्थर में से जो गैलरी चलाते हैं उसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये कौन सा ड्रिफ्ट है, यही ड्रिफ्ट को हम बोल रहे हैं हॉरिजन या लेवल रोड। लेवल रोड बना के हम कोल सीम में एंट्री किए हैं। तो इतना लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन में, क्या लिखेंगे, तीन गो बात लिखना है। एक, हॉरिजन माइनिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग, एक बात हम पीडीएफ भेजेंगे। नंबर टू, हॉरिजन माइनिंग इज ए अप्रोच आर एक्सेस टू कोल सीम, ठीक है। नंबर थ्री, मेथड ऑफ माइनिंग मे बी बोर्ड एंड पिलर आर लॉन्गवॉल, जनरली लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड मे बी adopted because short sinking and drives of roads in a coal seam require a huge capital
इतना हो गया आपका क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कहां पर ये माइनिंग मेथड, ये हरिजन माइनिंग को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप लोग बीसीसीएल में दो तीन माइन का नाम सुने होंगे, चांस नाला, सुदाम डी, मुनी डी, या ढेर सारा माइनिंग मेथड ट्राई किया हुआ है। ठीक है, और डीजीएमएस धनबाद से पास में है, वो लोग भी एक्सपेरिमेंट के लिए वहीं पे बहुत सारा कुछ काम करते रहते हैं। तो अब देख रहे फिगर में बताए हम सीम कैसा बताए, एकदम इनक्लाइंड सीम है। इनक्लाइंड सीम में एंट्री करना है हमको, तो हम इस हॉरिजन माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ किया हमने, चांस नाला और सुदाम डी में, वहां पर 15 डिग्री से के आसपास सीम का इंक्लिनेशन था। ठीक है, मतलब कहाँ हुआ पहला बात, इन इंक्लाइंड सीम, इंक्लाइंड सीम में अप्रोच करने के लिए, नंबर वन। नंबर अंडुलेटिंग सीम है, सीम इवन नहीं है, अंडुलेटिंग है, तो वहां पर भी हमको अप्रोच करना है, तो हॉरिजन माइनिंग से हम अप्रोच करते हैं कोल सीम में। तीसरा मुनीडी एक माइन है बीसीसीएल में धनबाद के पास में, वहां पर फ्लैट मेजर्स था, इस टाइप का इंक्लाइंड सीम नहीं था, फ्लैट मेजर्स था, बट नंबर ऑफ सीम थे। कैसे थे, एक सीम हो गया, एक सीम हो गया कोल सीम, एक एक कोल सीम हो गया, ऐसा छह कोल सीम था वहां। कितना कोल सीम था, छह कोल सीम था। ये और थोड़ा इंक्लाइन बता दिया, थोड़ा प्लेट मेजर मतलब जिसका पांच से दस डिग्री इंक्लिनेशन था, इस टाइप के ढेर सारे सीम थे। ये सीम है, ये सीम है, वहां पर छह कोल सीम था मुनरी में, और वो छह सीम में एंट्री करने के लिए हम हॉरिजन माइनिंग का इस्तेमाल किए, और वहां पर एंट्री करके हमने अंदर में जब कोलसी में चले गए, तो वहां पर लंगवाल माइनिंग मेथड या बॉर्डर माइनिंग मेथड से हमको कोयले निकालना है। तो ये दो चीज क्लियर हुआ, पीडीएफ भेज रहे हैं, और बाद में इसका डेवलपमेंट और जनरल कंसिडरेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, तो बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं।